नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस सिटी फाइव इंडिया में कपिल गौतम प्रेम। राजस्थान के नगर निकायों के चुनाव परिणामों की घोषणा हो चुकी है। परिणामों में जहां कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी रहा, वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर नजर आ रही थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की एंट्री जबरदस्त रही। करीब 16 वार्डों में बसपा ने चुनाव जीता। चुरू के राजगढ़ में 7 वार्डों में शायद बसपा विजयी रही। बता दें कि निकायों के लिए 16 नवंबर को वोटिंग हुई थी। इस बार मतदान का रिकॉर्ड 76.28% दर्ज किया गया। प्रारंभिक नतीजों में बसपा की निकाय चुनाव में बेहतरीन एंट्री रही। अलवर, बारा, भरतपुर में बसपा ने कई वार्डों पर कब्जा जमाया। वहीं चुरू के राजगढ़ में 7 वार्डों में अब तक बसपा प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं। राजगढ़ में बसपा दूसरे नंबर पर। भरतपुर नगर निगम में 3 वार्डों में बसपा का कब्जा रहा। बता दें कि पिछले चुनावों में 5 वार्डों में बसपा जीती थी। यही नहीं, अन्य कुछ निकायों में भी उपस्थिति दर्ज करवाई। करीब 16 पार्षद राजस्थान में जीते हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुमरत सिंह ने भरतपुर के साथ अन्य निकायों में पार्टी प्रत्याशियों की जीत पर खुशी जताई है। दरअसल विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट बेचे जाने के आरोपों के बाद हाल ही टिकट खरीद मामले में प्रदेश में किरकिरी से पार्टी के भीतर भी खासी खलबली मची हुई थी। पार्टी के जो अन्य विधायक थे वो कांग्रेस में चले गए थे, इस वजह से पार्टी के लोग नाराज थे। हालांकि निकाय चुनाव में इस एंट्री से पार्टी में फिर से खुशी की लहर दौड़ी है। देखिए यह रिपोर्ट। राजस्थान के 49 नगर निकाय चुनावों में बीएसपी रही अव्वल। 16 वार्डों में अब तक बखूबी जीत बीएसपी के हिस्से आ चुकी है। राजगढ़ चूरू में 7 प्रत्याशी विजयी बने। 49 नगर निकाय चुनावों के लिए 16 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसमें बीएसपी के हिस्से अच्छी सफलता का आगाज रहा है। मतदान स्तर 76.28% तकरीबन दर्ज किया गया। अलवर, भरतपुर, बारा जैसे कई अन्य सीटों पर बीएसपी का परचम लहराया। पिछले निकाय चुनावों में बीएसपी कुछ खास जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, 5 वार्डों में ही सिमट कर रह गई थी। राजस्थान के बसपा प्रदेश अध्यक्ष सुमरत सिंह इस जीत के आगाज से बेहद खुश हैं और जनता का हार्दिक धन्यवाद किया। बारा के छवड़ा से 2 प्रत्याशी विजयी रहे। राजगढ़ चूरू से 7 प्रत्याशी विजयी हुए। भरतपुर से 3, गंगानगर सूरजगढ़ से 1, अलवर भिवाड़ी से 2 प्रत्याशी विजयी रहे। आपको बता दें, बसपा ने इस बार 121 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें 16 प्रत्याशी ससम्मान विजयी रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।